दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पैशन की। पैशन क्या होता है आज मैं बताने वाला हूँ पैशन, और आप डिसाइड करेंगे कि आपका पैशन क्या है, आपका पैशन किस फील्ड में है, वो आपके ऊपर डिसाइड करेगा। सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ का पैशन बनाते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के ऊपर जब उसे आप पैशन बनाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पैशन आपका ऐसा होना चाहिए दोस्त कि पैशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप अपने पैशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पैशन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि भाई उसे खाने की तरह खा लो, पानी की तरह पी जाओ, नहाने की तरह नहा लो, सोने की नहीं कहूँगा, सोओगे तो पैशन शायद दूर रह सकते। सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्त जब आप किसी भी चीज़ को बनने की सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने सोचा, एक पर्सन ने सोचा कि मेरे को आईएएस बनना है। तो उस आईएएस बनने का पैशन क्या होता है? सबसे पहले आईएएस अगर आपको बनना है तो आप कहाँ, कहीं ना कहीं आपने देखो, सिंपल सी चीज़ है, पैशन में एक लोगों की कई बात होती है और एक खुद का पैशन होता है। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपका पैशन है या आप लोगों के कहने में आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि भाई तू आर्मी में हो जा, तू क्रिकेटर बन जा, तू पुलिस बन जा, सो लोगों का कहना है, एक पैशन वो हुआ, लोगों की आपने सुनी, सो आपने खुद ने डिसाइड किया कि मेरे को क्या बनना है, आईएएस बनना है, या मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है, या मेरे को डीएम बनना, कुछ भी बनना है। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका दिल बोलता है ना, जो आप के दिल ने बोला और आपने उसे डिसाइड किया और आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, वो आपका पैशन होता है। अभी डिपेंड करता है कि आप लोगों की सुन रहे हैं या खुद के पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं। पैशन होता है, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आया कि मैंने आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंटिन्यूस पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिन रात भाई मेहनत करनी पड़ेगी। जो उसका टाइम टेबल रूटीन होता है मेरे को नहीं मालूम, मेरे ख्याल से जो भी तैयारी करेगा सो उसे कम्प्लीटली होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पैशन के ऊपर। सो आपको पढ़ाई करनी होगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत सारे चीज़ भाई त्याग देने पड़ेंगे और नहीं भी त्यागने पड़ेंगे, डिपेंड फॉर यू, आपकी कैपेसिटी क्या है। बट हाँ, ये चीज़ आपके अंदर रहना चाहिए, जो मैंने बोला कि पानी की तरह नहाना पड़ेगा, खाने की तरह खाना पड़ेगा, भाई उसी चीज़ को रटना पड़ेगा। सोते बैठते खाते पीते उठते बैठते वही चीज़, एक ही चीज़, आई एस ही आपके दिमाग में रहना चाहिए, कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए, बिकॉज पैशन। अभी फॉर एग्जांपल आपने सोचा मैंने क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनने के लिए आपको भाई दिन रात फिर वही चीज़ मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, स्टेडियम में जाना पड़ेगा, गली में खेलना पड़ेगा, पार्क में खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करेंगे फिर वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं जो अंडर 19, 16, 17, 9 वो खेलने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्या सिलेक्शन होगा नेशनल में, फिर इंटरनेशनल में। सो वो क्या हुआ, फिर वहाँ पे आप क्या बनेंगे, क्रिकेटर, वो क्या रहा आपका पैशन। फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने फिर सोचा कि पुलिस ऑफिसर बनना है, सो कंडीशन सेम है, जिस चीज़ को आप बनना चाहते हैं डेफिनेटली 100 नहीं मेरे भाई 1000% मेहनत करनी पड़ेगी, 1000% भाई। वो टीवी देखने का सुख छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल चलाने का सुख छोड़ना पड़ेगा, फालतू बातें करनी छोड़नी पड़ेंगी भाई, यार दोस्त फ्रेंड सर्कल हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी। कामयाबी और पैशन, पैशन से ही कामयाबी मिलेगी। ऐसा है नहीं कि आप अगर सोच रहे हैं कि बस रात को आप सपना देख रहे हैं भाई मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा पैसा है, सो सपना ही है। अगर आप
ये चीज करना चाहते हैं ना, तो सिंपल सी चीज है भाई, सबसे पहले उसके ऊपर आप पैशन के साथ काम करना पड़ेगा। जब पैशन के साथ काम करेंगे जब ही जाके सक्सेसफुल होंगे। सो आप जिस चीज को करना चाहते हैं, जिस चीज को बनना, जो चीज बनना चाहते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, उसके ऊपर पैशन से काम करें। जब आप पैशन से काम करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी दोस्त, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंतर इतना दम नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक दे। पर हाँ, डिपेंड फॉर यू, कहीं ना कहीं बातें वहीं पे आती हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस फील्ड में, जिस चीज में काम, उस चीज के ऊपर काम कितना करें। एक इंसान वो होता है जो दिखावा करता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने, बट रियल में मेहनत नहीं कर रहा होता। तो डिपेंड वही चीज पड़ती है भाई, पैशन है ना, तो पैशन के अंदर जी जान लगा दो। जब जी जान लगाओगे तो डेफिनेटली झक मार के मिलेगी सक्सेस। कामयाबी की इतनी औकात नहीं जो आपको ना मिले, पर हाँ बात सिर्फ पैशन की रहेगी। पैशन 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 भाई, जो बनना चाहते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते हर टाइम वही चीज सोचना होगा। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो काफ़ी टाइम बाद आप आइए चैनल के ऊपर, सो सपोर्ट करें। एंड फिर से एक बार अगेन थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दें अपना कीमती, या जो भी कमेंट देना, और फिर से अपना प्यार दें। मैं कोशिश करूँगा फिर से हम एक्टिव होंगे, एक साथ हम फिर से, ठीक है, वीडियो आपको वीडियो मिलती रहेगी। कोशिश यही रहेगी डे बाई डे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, मोटिवेशनल वीडियो, और कंटेंट परफेक्ट बनाने की कोशिश है। सो आप सभी के सपोर्ट की वजह से, आप सभी के प्यार की वजह से ही होगा। सो अपना सपोर्ट करें। जाते जाते एक स्टोरी सुनाऊंगा दोस्त, बहुत ज़बरदस्त शानदार स्टोरी है। लगभग आज कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, बाहुबली मूवी आई थी। सो बाहुबली मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा सस्पेंस था कि बाहुबली ने कटप्पा को, या कटप्पा ने बाहुबली को, ये मेरे को कन्फ्यूजन है, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, हाँ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसी था शायद। सो जब मूवी आई तो बहुत बड़ा सस्पेंस था। एक घर के अंदर चोरी हुई, एक घर के अंदर एक कार चोरी हुई, तो कार सर्च करी गई, बड़े कंप्लेंट की गई थाने के अंदर, दूर दूर तक सर्च किया गया, चोरी करने के बाद कार नहीं मिली। अभी होता क्या है कि कार जो होती है, दिन की कार चोरी हुई थी और रात को कार वापसी पार्किंग के अंदर खड़ी होती है, तो जो कार का ओनर होता है वो कार जाकर देखता है पार्किंग के अंदर कार खड़ी होती है, और जब शीशा खोलता है उसका कार का, तो उसके अंदर एक लेटर मिला होता है कि थैंक यू भाई, मैंने आपकी कार इसलिए चोरी की थी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी और आपकी वजह से मेरी माँ की जान बच गई, थैंक यू सो मच। और ये मैं बाहुबली मूवी के कार के अंदर 4 टिकट छोड़ दे रहा हूँ, आप 9 बजे का शो है, अच्छी तरीके से देखें आप और पूरी फिल्म का एंड करें। सो बड़ा खुश होता है, क्या बात है यार, बड़ा ईमानदार चोर है साला, बताओ कार भी दे गया प्लस 4 मूवी के टिकट भी दे गया, वो भी बाहुबली मूवी। अभी 9 बजे का शो पूरी फैमिली देखने के लिए निकल जाती है, देखो साला चोर भी बड़ा सातिर होता है, पूरी डिटेल ले लेता है कि घर में कितने मेंबर हैं और रख देता है टिकट 4, सभी शो देखने के लिए जाते हैं। तो और जब वापसी आते हैं तो घर के अंदर खतरनाक चोरी हुई रहती है, सारी के सारे सामान, एक एक सामान गायब होता है, और एक लेटर मिलता है कि भाई साहब अभी तो बताने की जरूरत नहीं कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। तो वही ये चीज़ दोस्त, लोगों ने ना जाने कितना पैसा खर्च कर दिया इस चीज़ को जानने के लिए, साला सेकंड पार्ट बना दिया, वही आधी से ज़्यादा मूवी वही डाल दी सस्पेंस के लिए। तो हम मैजिक पे ज़्यादा गौर करते हैं, तो दोस्त लॉजिक पे काम करें। एंड फिर से एक बार अगेन थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।